गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास आज फोर्थ के जो है मैथमेटिक्स में चैप्टर जो है नंबर 1 है, नंबर नोटेशन के बारे में जो है बच्चों आपको प्रीवियस क्लास से पढ़ा रहा था, इसमें भी मैं आगे आपको कंटिन्यू करते जा रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ नंबर ऑफ नोटेशन देखेंगे, मैंने यह क्वेश्चन जो है आपका जो है टू एक्सरसाइज जो है यह एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2A का है। 2A का बच्चों यह जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 2A का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर देखेंगे, एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उसमें क्या है, राइट द नंबर, राइट द न्यूमरल्स। इसमें हमको क्या लिखना है, न्यूमरल्स लिखना है, यानी वर्ड में दिया हुआ है इसको जो है हमको कैस में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। जैसे 45 यहाँ दिया हुआ है, 45 48,987 है, क्या ना 48,987 है, यानी थाउजेंड्स। इसको कैसे लिखेंगे हमको, थाउजेंड्स पीरियड पहले लिख दीजिए, उस बाद हंड्रेड टेंस और वंस लिखिए। बच्चों यहाँ कितना 48,000 है, तो थाउजेंड के नीचे 48 लिख दीजिए। हंड्रेड कितना है, 9 है, तो 9 के नीचे 100 लिख दीजिए। और 87 है जो कंबाइंड रूप से हम पढ़ते हैं, तो क्या अंदर 87 हम लिख सकते हैं, यानी 80 + 7 आपका 87 हो। तो बच्चों आप इसको कर लेंगे। इसी तरह के इसमें विभिन्न से और क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको आप लोग जो है होमवर्क के रूप में करेंगे। अब एक्सरसाइज हम लोग 2 में चलते हैं बच्चों। क्या है 2 में हमको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2B में, जो एक्सरसाइज 2B में हम लोग चलते हैं। मेक द प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन एंड इंटर द डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, कहता है मेक ए प्लेस वैल्यू चार्ट हमको बनाना है इंडियन में, एंड इंटर द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह डिजिट आपका दिया हो उसको इंटर करना है। जैसे हमने क्या बनाया हुआ है, प्लेस वैल्यू चार्ट में करोर से शुरू किया है, करोर लाख थाउजेंड वन, क्या है करोर लाख थाउजेंड वन, ये हमारा पीरियड है। तो इसको पहले लिखेंगे, पहले वंस पीरियड में कहता हूँ वंस 10 100 होते हैं, थाउजेंड्स में वंस 1000 10,000 होते हैं, 1 लाख 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ होते हैं। अब बच्चों यहाँ एक नंबर मैं लिखा हूँ, इसको इसमें प्लेस करना है, 2 2 5 6 8 5 है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ आपको क्या है थाउजेंड्स में है, तो थाउजेंड्स में हम लिखें 25,000 हो गया। 685 लिखेंगे, यानी वंस में हमारे क्या होगा, लिखने कैसे करेंगे, 5 8 6 5 2 लिखेंगे। तो ये एक जो है इधर से लिखना शुरू करेंगे तो आपका जो है नंबर जो एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू की तरफ होगा। हमेशा काउंट किधर से करते हैं, इधर से करते हैं, और जाते किधर हैं, लेफ्ट साइड में जाते हैं। वंस टेंस हंड्रेड हुआ, उस वक्त क्या होगा हमारा, थाउजेंड 10,000। तो यहाँ बच्चों क्या हुआ, 25,685 को आप किस तरह लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में, इसको समझ गए होंगे। अब बच्चों इसी तरह के जो है विभिन्न क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप उसको खुद कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन करके आप लोग को बता दिया, रेस्ट आप लोग इसके बाद करेंगे, और दिक्कत होगा तो जो है आप लोग जो है व्हाट्सएप पर जो है भेजेंगे। अब बच्चों अब जो है अब उसे एक्सरसाइज 2B का जो है अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें। अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम लिविंग ए शॉर्ट स्पेस बिटवीन द पीरियड्स री राइट द फ्लोइंग नंबर। जैसे यहाँ क्या दिया हो, एक पीरियड अब एक नंबर्स दिया हो, जैसे 8 1 2 4 3 5 आपका दिया हुआ, हमको इसमें क्या है स्पेस देना है पीरियड के बीच में। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ आप लिखना होगा वंस पीरियड आपका हो जाते हैं, तो इधर से फर्स्ट पीरियड में हमारा कितना हो 3 नंबर हुआ, उस बाद क्या होगा स्पेस देंगे। फिर सेकेंड पीरियड में हमारे कितना होता है 2 डिजिट का होते हैं, तो दो दो अंक के बाद जो है दो हम क्या करेंगे स्पेस देते चले जाएंगे। तो यह बच्चों जो क्या होता है पीरियड का जो है डिफरेंस हो जाता है, अंतर हमको करते हैं वंस थाउजेंड्स लाख हो जाते हैं। उसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर बी, एक दो क्वेश्चन में करके आपको बताया हूँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि कैसे हम इशू कर रहे हैं। इसमें करने के लिए हमको क्या करना है कि क्या है नंबर दिया हुआ, तो पहला हम नंबर लिखेंगे वंस पीरियड में लिखेंगे, उस बाद थाउजेंड पीरियड में देंगे कोमा देंगे, उस बाद लाख जाएंगे। तो इस तरह करके नंबर को हम अरेंज कर सकते हैं, तो है शॉर्ट स्पेस दे करके। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर
थ्री नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है, राइट द नंबर नेम। हमको यहाँ क्या नंबर्स नेम लिखना है, यहाँ नंबर दिया हो उसका नाम लिखना है, यानी वर्ड्स में लिखना है। यानी 78 42 कितना नंबर है, 7 8 4 2 5 1 2 है। अब इसको कैसे करेंगे हम, पहले हम प्लेस वैल्यू जो है पीरियड्स लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट पीरियड में वंस है, उसका सेकेंड कॉम है क्या थाउजेंड है, उसका लाख होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, 78,42,512, यानी 78,42,512 लिख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 78 लाख है, उस पर लाख दें 42, उस पर थाउजेंड्स पीरियड पीरियड लिख देंगे, 512 को हम लिख देंगे। तो बच्चों इसको कैसे हम नंबर नेम लिखें ये समझ गए होंगे। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको आप लोग जो है, इसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप लोग इसी तरह लिखने का प्रयास करेंगे। अगर दिक्कत होगा तो फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मैं आपको जो है फिर इसको दोबारा जो है बताने का प्रयास करूँगा। अब बच्चों एक्सरसाइज 2C में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन प्लेस वैल्यू चार्ट कंप्लीट द ब्लैंक। माने इन द गिवन प्लेस वैल्यू चार्ट कंप्लीट द ब्लैंक, हमको ब्लैंक इसमें जो है दिया हुआ है उसको जो आप देखेंगे दिया होगा वहाँ हमको कंप्लीट करना है कि कैसे हमको करना है। जैसे यहाँ हमारा मिलियन है, थाउजेंड्स है, वंस है, यहाँ नंबर्स दिया होगा आपको बुक में। यानी यहाँ वंस टेंस हंड्रेड माने क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में है तो आपका क्या होगा, हमेशा वन पीरियड जो है हमेशा थ्री डिजिट का होगा। वंस थाउजेंड थ्री डिजिट का होगा, वंस टेंस और हंड्रेड होगा। थाउजेंड्स पीरियड भी हमारा क्या थ्री डिजिट का होगा, वंस टेंस हंड्रेड होगा। मिलियन भी हमारा थ्री डिजिट का होगा, वंस टेंस हंड्रेड। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमारा नंबर दिया हुआ है 4592105 06 दिया, इसको हमको नंबर लिखना था। हम यहाँ कैसे लिखना है, हमने कोमा देकर आपको लिख दिया है। यहाँ 8 4 3 6 7 0 4 6 7 था, हमको यहाँ क्या लिखा नंबर लिखना था, ये जो नंबर आप लोग लिख सकते हैं इस तरह। बच्चों यहाँ ये दिया हुआ है 9 0 4 2 3 दिया हुआ 6 1 2, हमको इसमें क्या है, इसमें इसको अरेंज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे 6 1 2 लिखेंगे, तो क्या बच्चों क्या हो जाए 2 1 6 3 2 4 3 2 4, उस पर 90 लिख देंगे। तो बच्चों आप इसी तरह के कुछ एक आध और प्रॉब्लम है, आप लोग इसे करने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू री राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स, उसको स्पेस देकर हमको री राइट करना है विथ पीरियड मार्क्स एंड राइट देयर न्यूमरल नेम, नंबर्स नेम। अब इसका नंबर्स नेम लिखना है। बच्चों यहाँ दिया 8 9 4 1 0 5 6 7 दिया हुआ है, यहाँ आपका 89 दिया हुआ है। माने कैसे हम करें, पहला वंस में थ्री डिजिट लिखेंगे, थाउजेंड में थ्री डिजिट लिखेंगे, मिलियन में हमारा थ्री डिजिट लिखना है लेकिन हमारा दिया है 2, तो इसे 2 पर ही डिजिट पर स्टॉप कर देंगे। इसलिए हम कैसे अरेंज करते हैं, 89 के बाद गैप देंगे, 410 के बाद गैप देंगे थोड़ा सा, 5 and 6 करेंगे, इससे आपका पीरियड मार्क्स हो जाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे वर्ड्स में कैसे लेंगे, 89 मिलियन, यहाँ क्या आपका मिलियन में है तो 89 मिलियन हो गया। 410,000 है, 410,000 है, 567 है, ये यहाँ लिख दें 567। तो बच्चों इसको देखें कैसे हम रीअरेंज किया है, फिर कैसे लिखा है, इसको आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन हैं बच्चों, इसे आप खुद करने का प्रयास करेंगे। अब राइट द न्यूमरल, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखेंगे। राइट न्यूमरल्स 60,844,750, यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए राइट द न्यूमरल्स, राइट इन न्यूमरल्स में हमको लिखना है, कैसे लिखना है यानी वर्ड में, हम क्या नंबर सिस्टम में हमको लिखना है। मैंने 60,844,752 है, इसको हमको किस में लिखना है, वर्ड में लिखना है, मिलियन थाउजेंड्स वंस है। मैंने 60 मिलियन है, आपका देखिए कितना 60 मिलियन है, 60 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए थाउजेंड है, कितना है हमारे 800
44,000 लिख देंगे। वंस हमारा कितना है 752 वंस है। ठीक बच्चों, इसको आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखेंगे, राइट एनी फोर सेंटेंसेस ऑन द नंबर हैविंग द फाइव एंड सिक्स डिजिट। जो होता है ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट है, कितना हो लिख सकते हैं, कितना हो वन इकाइंड, यानी 10,000 हो गए। ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर 99, इधर ग्रेटेस्ट हमारे 9 करोड़ 90 कितना है 99 लाख 99,999 हो गए। यानी बच्चों यहाँ क्या होंगे, 9,99,999 होंगे। अब यहाँ सी नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सी डिजिट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह काउंट कर लेंगे कि सिक्स डिजिट होता है कि नहीं, उस बाद आप लिखेंगे। यानी कितना हो जाएगा आपका 1 लाख हो जाएंगे, 1 लाख माने सिक्स डिजिट कितना हो जाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर 1 लाख। तब बच्चों आपने जो है क्वेश्चन कर लिया, ध्यान से देख लिए। अब जो है मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपका इसके बाद का वाले क्वेश्चन जो है मैं करके दिखाऊँ। आज 20C जो एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं 22D के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक्स बच्चों।